नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पंजाब के सियासी मैदान पर कप्तानी कौन करेगा, इसको लेकर कांग्रेस के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए हैं। मौजूदा समय में सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए शुरू हुई लड़ाई अब कांग्रेस के गले की फांस बनती चली जा रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस सियासी उठापटक को काबू करने में नाकाम साबित हो रहा है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम पद से इस्तीफा और फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने पार्टी में भूचाल ला दिया है। इन इस्तीफों के पीछे असल वजह क्या है, ये तो इस खेल के खिलाड़ी ही जानते होंगे, लेकिन इससे होने वाले नफा नुकसान का खामियाजा तो कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े पंजाब में अब कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके सबसे बड़े कप्तान ने अपने पद से इस्तीफा देकर उसके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। कैप्टन ने आलाकमान की नाराजगी का जवाब अपने इस्तीफे से देकर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब कांग्रेस के लिए आगे का हर कदम मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि बिना कैप्टन के जहाज अपनी मंजिल तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है या फिर तूफानी लहरों से टकराकर अपना वजूद खो देता है। ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसके कैप्टन ने मजदार में साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद सियासी जहाज को मंजिल तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। मतलब ये कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी लड़ाई कठिन होने वाली है। कांग्रेस ने जिसके भरोसे पंजाब को फतह करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उसने भी बीच रास्ते में अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का फैसला सुना दिया। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के झटके से कांग्रेस उभर भी नहीं पाई थी कि दूसरी मुसीबत ने दस्तक दे दी। हालांकि कांग्रेस ने जिस रणनीति के तहत कैप्टन से इस्तीफा लेकर चरणजीत सिंह और चन्नी को सीएम का ताज पहनाया है, वो कहां तक फायदे का सौदा साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले टूटती पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर सियासी पंडित तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। सियासी गलियारों में उड़ रही खबरों पर भरोसा करें तो जल्द ही कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए बीजेपी भी जोर लगा रही है। बीते मंगलवार को कैप्टन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन मुलाकात की इन खबरों पर सिद्धू के इस्तीफे की खबर भारी पड़ गई। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू के इस्तीफे को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सिद्धू भी मानने को तैयार नहीं है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक कैप्टन का दिल्ली दौरा दरअसल उनके भावी फैसले पर मुहर लगाने की पटखथा तैयार करने के लिए ही था, और इसी वजह से कैप्टन को पहले भाजपा अध्यक्ष नड्डा और बाद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी। लेकिन इसी बीच अचानक पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे से आए भूचाल के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पटखथा में बदलाव करना पड़ा। अपने इस्तीफे के साथ ही अमरिंदर सिंह ने किसी कीमत पर सिद्धू को चुनाव ना जीतने देने की घोषणा भी कर रखी है। अब उनकी एकमात्र योजना पंजाब की सत्ता से कांग्रेस की विदाई है। बीजेपी सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन लगातार बीजेपी के नेतृत्व में के संपर्क में है। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के किसी नेता से मुलाकात संबंधी खबरों का खंडन किया था और कहा था कि आगे की रणनीति को लेकर वो जल्द ही फैसला लेंगे। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। सीएम चरणजीत सिंह और चन्नी ने दो सदस्यीय कमेटी बनाकर सिद्धू को मनाने का जिम्मा सौंप दिया है, जिसमें परगट सिंह और अमरिंदर राजा शामिल हैं। सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि उनके इस्तीफे के जिम्मेदार सिस्टम में भ्रष्ट नेता अफसर और दागी मंत्री हैं, जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिद्धू को मनाने के लिए कांग्रेस उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाएगी जो सिद्धू के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ये तो बात हुई पंजाब की। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां जोरों पर है।
बात करें बीजेपी की तो चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बाकी बचे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के नामों की सूची को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार तमाम विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी इस बार युवा चेहरों पर दाव लगा सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये तैयारियां सिर्फ सभी सीटों पर जीत के लिए ही नहीं बल्कि जो राजनीतिक दलों के कैंडिडेट 2017 में जीते थे उनमें से कई विधायकों के टिकट काटे जाने की तैयारी भी है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 300 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कई विधायक ऐसे हैं जो हाल फिलहाल बीजेपी के लिए निष्ठावान तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र, जमीनी हकीकत, क्षेत्र में कमजोर पकड़ और पार्टी आलाकमान के साथ दूरियां उनके टिकट में रुकावट खड़ी कर सकती हैं। वहीं कई नेता ऐसे हैं जो दूसरे दलों के साथ ज्यादा ही गलबहियां कर रहे हैं। अभी हाल ही में सीतापुर के विधायक राकेश राठौर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि बीजेपी विधायक कहीं ना कहीं अखिलेश की शरण में जाना चाहते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बसपा के कई नेता अखिलेश से मुलाकात कर रहे हैं। एक दिन पहले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद कहीं ना कहीं बसपा आलाकमान की त्योरियां चढ़ी नजर आ रही। खैर, बीजेपी ने चुनाव को लेकर जो लक्ष्य तय किया है उसके चलते दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संघ और संगठन की बैठकें हो रही हैं। नई रणनीति के मुताबिक बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ उन्हीं को टिकट देगी जो पार्टी की कसौटियों पर खरे उतरेंगे। चर्चा है कि बीजेपी इस बार अपने एक तिहाई विधायकों का टिकट काटेगी, उनकी जगह 30-35% युवाओं को मौका दिया जाएगा। कई मंत्रियों को भी टिकट काटे जाने की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी क्षेत्र में उनके काम और लोकप्रियता के आधार पर ही उनका टिकट फाइनल करेगी। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी दूसरे छोटे दलों के नेताओं को जुटाने में लगी है, उस तरह से तो यही लग रहा है कि जल्द ही बीजेपी के कई नेता अपने दल से नाराज होने वाले हैं। सत्ता की चाहत में भटक रहे निषाद पार्टी के संजय निषाद को भले ही बीजेपी ने बैसाखी देकर विधान परिषद भेज दिया हो, लेकिन संजय निषाद की चाहत बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जिस तरह से संजय निषाद अभी से टिकट को लेकर दिल में अरमान पाले हैं, उनकी वजह से या तो कई बीजेपी विधायकों की टिकट कटेंगे या बीजेपी संजय निषाद को ही किनारे कर देगी। जो भी हो, लेकिन कई विधायकों को अभी से भविष्य दिखाई दे रहा है। इसी के चलते वो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ हाथ में हाथ डालने को बेताब नजर आ रहे हैं। इसी पर दो लाइनें खूब जस्ती हैं। दल बदलू मौसम हुआ राजनीति का दौर, दल बदलू मौसम हुआ राजनीति का दौर, जिसको जहां जगह मिली वहीं बनाया ठौर। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।